everyone, welcome back to my channel Live, Learn, Grow. Today I'm going to share with you my experience with kidney transplant from the day one. So before we continue, let me give a quick intro. My name is Monica Jain. In this channel, I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. किडनी ट्रांसप्लांट टेस्टिंग के अलावा ट्रांसप्लांट के लिए आपको सारे डॉक्टर्स से भी मिलना पड़ता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट, आपका सर्जन जो आपका ऑपरेशन करेगा, यूरोलॉजिस्ट एंड आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड प्लस एनेस्थीसिया के डॉक्टर. तो बिफोर ट्रांसप्लांट आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट एनेस्थीसिया एंड इस प्रोसेस, क्योंकि मैं यहाँ कभी भी कोई भी तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ था. सो एनेस्थीसिया से मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी और डॉक्टर से भी मिली थी मैं. सो ही टोल्ड मी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बेहोश हो जाओगे एंड विद इन फोर टू फाइव आवर्स आपको होश भी आ जाएगा. बट आई सर्च अ लॉट बिफोर माई ट्रांसप्लांट कि एनेस्थीसिया की प्रोसेस एंड ऑल क्या होती है, कैसे होता है एंड कितनी देर में आपको होश आता है. सो दिस वर द प्रोसेस. तो ट्रांसप्लांट डेट के 1 वीक पहले ही मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था और स्केड्यूल हुआ था एक अल्टरनेट डेज पे. तो 3 डायलिसिस मेरे नॉर्मली डायलिसिस यूनिट में जाके मैं डायलिसिस कराती थी और वापस आ जाती थी. बट ट्रांसप्लांट के 2 दिन पहले ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था. बोल दिया गया था 2 दिन पहले ही एडमिट होना है आपको ट्रांसप्लांट से पहले, बिकॉज जो लास्ट डायलिसिस है वो ट्रांसप्लांट से जस्ट 1 दिन पहले ही मेरा होना था. तो अगर ट्रांसप्लांट के 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी. जब मैं हॉस्पिटल में गई थी तो स्टार्टिंग में मुझे एक थोड़ा सा KTU यूनिट में ही, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में ही, बट थोड़ा नॉर्मल रूम दिया गया था. और ट्रांसप्लांट के बाद आपको और अंदर सेपरेट, एकदम ही बहुत ज़्यादा सेपरेट रूम दिया जाता है टू कीप यू सेफ आफ्टर ट्रांसप्लांट. जैसे कि मैंने कहा है, ट्रांसप्लांट के बाद आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है. फर्स्ट चीज़ हॉस्पिटल में जाते ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, वो था हॉस्पिटल का खाना. वो हॉस्पिटल का खाना तो मेरे से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ. एंड ये सिर्फ फर्स्ट डे नहीं हुआ मेरे साथ, इवन मैं 10 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, 10 डेज का पैकेज था. तो लास्ट डे तक मुझे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट भी, जब वो मुझे नॉर्मल फूड दे रहे थे. तो मैं बार बार डाइटिशियन को बुला के बोलती थी कि प्लीज़ थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए. नेक्स्ट डे मेरा डायलिसिस था एडमिट होने के बाद. तो उस दिन जो डायलिसिस होना था उसके लिए भी डायलिसिस यूनिट में एक सेपरेट रूम था. वहाँ पे मेरा सिंगल डायलिसिस हो रहा था, वहाँ पे मैं ओनली पेशेंट थी, सेपरेट पूरा रूम था, सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे और मेरा डायलिसिस हो रहा था. और उस दिन मेरा डायलिसिस आई थिंक 4 टू 5 आवर्स का था. तो बहुत लंबा डायलिसिस था उस दिन मेरा. आफ्टर डायलिसिस नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट का दिन था. सो आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड क्योंकि फाइनली द डे हैड केम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली आई एम गेटिंग अ न्यू किडनी और मेरी लाइफ स्टाइल वगैरह सब चेंज होने वाली है. बिट नर्वस भी थी ट्रांसप्लांट जैसे जैसे टाइमिंग पास आ रहा था मेरा. जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ था उस दिन मॉर्निंग से मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया था. बिकॉज जब आपका कोई ऑपरेशन होना होता है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो ब्लैडर का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी होता है. तो उस दिन वाटर भी लिमिटेड होता है, तो उस दिन बिल्कुल भी पानी नहीं पीने को दिया गया था. सिर्फ थोड़ा बहुत, अगर बहुत प्यास लग रही है या कोई मेरे को मेडिसिन लेनी है तो ही, अदरवाइज ना पानी दिया ना फूड दिया गया था टिल द ऑपरेशन टाइम. सो फिर मेरे लिए स्ट्रेचर्स आए गए और मैंने तो नर्स से जिद किया कि नहीं, मुझे स्ट्रेचर्स पे नहीं जाना है, मुझे पैदल चल के ही जाना है ओटी तक. और वो लोग नहीं माने कि नहीं आप स्ट्रेचर्स पे ही जाएंगी, बल्कि मैं फिट एंड फाइन थी, मैं चाहती थी मैं खुद चल के जाऊँ अपने ऑपरेशन के लिए. वो लोग नहीं माने और मुझे स्ट्रेचर्स पे ही लेके गया. सो डायरेक्ट ओटी में नहीं लेके जाया जाता है, ओटी से पहले एक रिकवरी रूम होती है. वहाँ पे 30 मिनट तक आपको बिफोर ऑपरेशन के 30 मिनट पहले ही वहाँ पे भेज दिया जाता है एंड वहाँ पे रखा जाता है आपको रिकवरी रूम में. सो ये बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट दोनों के लिए होता है, दोनों को ही पहले रिकवरी रूम में रखा जाता है देन ओटी में लेके जाया जाता है. सो 30 मिनट तक मैं रिकवरी रूम में थी. वो 30 मिनट टाइम पास करना बहुत थोड़ा सा टफ हो रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि अगले कुछ टाइम में मैं ओटी में होंगी एंड मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा होगा. सो बहुत
बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, बट इतना डर नहीं लग रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई ट्रांसप्लांट, मुझे करवाना था, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट ऑल्सो. सो दिस वॉज दिस सिचुएशन. सो ओटी में ले जाने से पहले मैं अपने पेरेंट्स से मिली थी, फैमिली से मिली थी. ओटी में ही जाते ही सारे 3-4 डॉक्टर थे, मेरे सर्जन भी थे, एनेस्थीशिया के डॉक्टर भी थे, सब थे वहाँ पे. सब मेरे से पूछ रहे थे हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है. इवन जो मेरे को नर्स लेके जा रही थी स्ट्रेचर पे, वो भी पूछ रही थी कि सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है ना. और फिर वो लोग मेरे से पूछ ही रहे थे बात करते करते, कब उन्होंने मुझे एनेस्थीशिया दे दिया मुझे पता ही नहीं चला. सो जब मैं अपना, मैंने जो एक लास्ट वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने अपने एवी फिस्टुला की सर्जरी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, उसमें तो मैं प्रॉपर अवेक में थी. मैं चारों तरफ देख सकती थी क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं एंड क्या सीजर वगैरह, बड़ी बड़ी सीजर्स वगैरह क्या क्या रखा हुआ है. बट इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं देख पाया, ओटी रूम को भी अच्छे से नहीं देख पाया जितने में उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया. सो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया. किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन 3-4 आवर्स का होता है, तो ये टाइम टेकिंग होता है. तो पूरे ऑपरेशन के टाइम में ऑब्वियस मैं बेहोश थी, तो मुझे कुछ नहीं पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नथिंग. बस मुझे ये पता है कि जब उन्होंने मुझे उठाया, थोड़ा सा गाल पे ऐसे 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 थपथपाया, मोनिका मोनिका मोनिका, और मैं उठ गई. सो ऐसा नहीं था कि मैं उठी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा हो या मैं बेहोश से उठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था. मुझे उठी तो मुझे पता था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं ऑपरेशन रूम में ही हूँ और मुझे अभी उठाया गया है, सारी चीज़ें मेरे सेंस में थी. सो मैं उठ गई आराम से, मैंने देखा इधर उधर, अच्छा डॉक्टर है, उन्होंने बोला बगल में एक दूसरा स्ट्रेचर रखा है, अच्छा इसमें अब तुम शिफ्ट हो जाओ. तो वो लोग थोड़ी हेल्प किए और मैंने खुद ने भी थोड़ा सा उठी और स्ट्रेचर्स पे शिफ्ट हो गई, लेटी लेटी फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट हो गई. सो वहाँ से उठने के बाद मेरे को डायरेक्ट केटीओ में लेके गया गया था, कहीं और नहीं ले जाया जाया, डायरेक्ट आपके किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में. और जो एकदम सेपरेट रूम आपके लिए फिक्स किया जाता है, जो पूरा डिसइंफेक्टेड होता है एंड हर चीज़ से मतलब बहुत दूर रहता है, वो एकदम सेपरेट यूनिट ही होती है आपकी, ताकि कोई भी तरह के अदर पेशेंट्स भी आपके आसपास ना हो और कोई तरह का इन्फेक्शन भी नहीं हो. सो डायरेक्ट मेरे को उस रूम में ही ले जाया गया था. ले जाते वक्त मैं देख रही थी रास्ते में मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, मेरे को वेव कर रहे थे, बट मतलब शायद मैं उतना प्रॉपर होश में नहीं आई थी, तो मतलब आई डिडेंट केयर. मैंने देखा ओके और मैं चली गई, मैंने वेव भी नहीं किया, शायद मैं उतना प्रॉपर होश में नहीं आई थी. हाँ, फिर जब मैं प्रॉपर अपने रूम में पहुंची, तो तब तक तो मुझे कोई पेन नहीं हुआ, और मेरा ऑपरेशन हुआ है बट मेरे को कोई पेन नहीं हुआ. उसके बाद अबाउट टू थ्री आवर्स मेरे को हल्का हल्का धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हुआ. हल्का हल्का स्टार्टिंग में पेन हुआ था, बट उस दिन पूरी रात मेरे को बहुत मीन्स अनबियरेबल पेन था. मैं स्ट्रेट लेटी हुई थी और मेरे को करवट बदलनी थी, मैं मतलब पूरे टाइम पूरी रात में एक तरह से जग रही थी, मैं सो नहीं पाई थी, इतना अनबियरेबल पेन हो रहा था. और जो मेरे नर्सेस थे, वन मेल नर्स एंड वन फीमेल नर्स थी मेरे पास आफ्टर ट्रांसप्लांट, वो दोनों पूरी रात मेरे बगल ही खड़े थे कि मेरी नींद खुली नहीं कि वो मेरे सामने ही थे. और मेरे को बहुत पेन हो रहा था, लाइक आई कांट बेयर इट. फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे थोड़ा सा टर्न होना, मेरे को एक तो स्ट्रेट सोने की आदत नहीं है. सो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा फ्लिप होना है, टर्न होना है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं हो सकते हो अभी, आप फ्लिप कुछ भी नहीं कर सकते हो, स्ट्रेट ही सोना. ऑफिस उन्होंने पेन किलर्स दी थी, बट मेरे को बहुत पेन हुआ था. फिर मैंने कहा कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, तो उन्होंने रात को सर्जन को कॉल किया, आस्क हिम कि कैसे वो सो सकती है, वो सो नहीं पा रही है. सो ही सेड कि जिस तरफ किडनी प्लेस हुई है, किडनी मेरी राइट साइड प्लेस हुई थी, तो ऑपरेशन राइट साइड हुआ था मेरा, तो राइट साइड तो बिल्कुल भी टर्न नहीं कर सकती हूँ, और लेफ्ट साइड मेरा फिस्टुला है. और मैंने एवी फिस्टुला के प्रिकॉशन वीडियो में बताया है कि आप इसको भी अपने हाथ को मतलब प्रेशर नहीं दे सकते जिस हाथ में फिस्टुला बना है, तो मैं ना इस तरफ सो सकती थी ना इस तरफ सो सकती थी. सो उन्होंने कॉल किया सर्जन को, तो सर्जन ने बोला कि 2-3 पिलोज लगाओ और हल्का सा फ्लिप होने को कहो, वो हल्का सा फ्लिप हो सकती है, पर जिस तरफ किडनी प्लेस हुई है उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं फ्लिप हो सकती है. तो कैसे भी के वो पूरी रात निकली थी मेरी, ना पेन था. फिर नेक्स्ट डे भी पेन था टिल आफ्टरनून तक पेन था, और फिर धीरे धीरे मैं पेन
कम हो गया. सो मुझे आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं कह सकती हूँ सिर्फ 2 दिन ही पेन रहा था. जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ उस दिन पूरी रात, नेक्स्ट डे बस, मतलब एक दिन ही पेन था और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ. बट सबका हेल्थ और सबकी बॉडी अलग अलग होती है. सो मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम लगता है ट्रांसप्लांट का पेन जाने में, किसी को 15 दिन, किसी को मंथ भी लग जाता है. पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे सिर्फ 2 डेज ही पेन रहा था, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन और उसके नेक्स्ट डे, उसके बाद मेरे को पेन नहीं हुआ था. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विथ किडनी ट्रांसप्लांट. होप यू लाइक दिस वीडियो. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी शेयरिंग माई पोस्ट ट्रांसप्लांट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड कि ट्रांसप्लांट के बाद जो 10 डेज थे हॉस्पिटल में वो मेरे कैसे कैसे बीते, वॉट वॉज माई एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या क्या हुआ. बिकॉज कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई थी मेरे साथ एंड कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी जो मेमोरेबल है. सो स्टे ट्यून विथ मी एंड टू वॉच माई अदर वीडियोज़ यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव, लर्न एंड ग्रो.